अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। इस चैनल पर बहुत सारी टॉपिक्स पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें, कोई 5,500 से ज़ायद दुरूस मुख्तलिफ टॉपिक्स से रिलेटेड इसमें मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ बंधे रहेंगे। आइए आज के दर्स का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि ज़रा यहाँ के विंटर की भी कुछ फुटेजेस हमें दिखाएं, तो आज आपके साथ यहाँ के कुछ विंटर के फुटेजेस शेयर करता हूँ जो मैंने 2021 के विंटर में पीसी विंटर में लिए थे, लेकिन आपसे शायद शेयर नहीं किए थे। तो आइए आपसे इन फुटेजेस को शेयर करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्नो पड़ रही है तो आज दिन में पड़ रही है, पहले आपको रात में दिखाया था पड़ते हुए, तो ज़रा देखते हैं कि स्नो कैसी पड़ रही है। नए साल की पहली स्नो। देखें, जब अल्लाह ताला बारिश भेजता है उसकी रहमत है, और कभी कभी जब ठंड ज़्यादा होती है तो फिर ये जो है स्नो की सूरत में आती है। देखते हैं होती है, तो आइए ज़रा देखते हैं स्नो का हाल क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तो हल्की हल्की स्नो पड़ रही है। ये हमें स्नो में स्पेशल बूट्स, स्नो बूट्स पहनते हैं, आगे से कवर होते हैं वो ताकि ठंड ना लगे। आवाज़ भी आ रही होगी आपको। ये एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं, ये सारा साल जो है हरे ही रहते हैं। आइए इनको मैं आपको क्लोज़अप में दिखाता हूँ। कहीं कहीं थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं। अच्छा, कभी ये होता है इनको बीमारी शिमारी भी लग जाती है तो फिर ये ब्राउन हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो फिर बदलने पड़ते हैं। एनीवे, जूतों के निशान आपको नज़र आ रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे लोग, बच्चे जो हैं स्पेशली, ये स्लेडिंग वगैरह के लिए आते हैं। तो दरख्तों पर तो आप देख सकते हैं क्या आलम है। और यहीं पे कहीं मेरे ख़्याल से लोमड़ियाँ भी रहती हैं। कभी लोमड़ियाँ बाहर निकली ना तो मैं आपको दिखाऊंगा। एक फैमिली है, जब से आई है यहाँ पे खरगोश सारे गायब हो गए। रेड फॉक्सेस हैं वो। तो देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से स्नोइंग राइट नाउ। थोड़ी पड़ चुकी है, थोड़ी पड़नी है अभी 2-4 घंटे। तो जब पड़ जाती है ना स्नो, तो उसके बाद क्या है कि सड़कों की सफाई के लिए बड़े बड़े ट्रक आते हैं, सॉल्ट डालते हैं, और घरों के आगे जो वॉकवे होती है, वो ये वॉकवे है घरों के आगे होती है, इसको फिर उनको साफ करना होता है जिनके घर हैं। और ये रोड का हाल है, जरा स्टेप करके देख लेते हैं। काफ़ी आइस हुई है रोड के ऊपर इस वक्त, वेरी आइसी। एनीवे, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एक्सपोजर से मज़ा भी आया होगा। थोड़ी थोड़ी आपने स्नो भी देख ली है, कपड़ों पे थोड़ी सी एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई है, तो इससे पहले कि ठंड ज़्यादा हो फिर वापसी का सफ़र करते हैं घर की तरफ। बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा और आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं।
थोड़ा सा स्नो में आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ, अभी तो थोड़ी हार्ड हो रही है इसलिए आवाज़ भी आ रही होगी आपको स्नो की। सख्त हो गई है स्नो भी, देखते हैं आप। वैसे अगर जब पड़ती है तो उमूमा नरम होती है, लेकिन चूंकि कल रात को टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हुआ था तो -15 तक गया था टेम्परेचर, तो उसकी वजह से ये पहले जो पड़ी थी वो हार्ड हो गई है। ये पहली साल, ये नए साल की पहली स्नो पड़ी है अभी। तो पड़ोसियों का कुत्ता जो है उसने कहा कि भाई कोई मौजूद है यहाँ पर, तो उसके बाद भी आपने सुन ली। इस वक्त टेम्परेचर जो है यहाँ पे -22 डिग्री जो है, ठंड है -22 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ज़रा कुछ बाहर का हाल दिखाता हूँ। ये ट्रेन है, मालगाड़ी जिसे आप कहते हैं, ये जा रही है, बहुत लंबी होती है। अभी ये ख़त्म हो रही है, इसके बाद फाटक खुलेगा। आपको बताया कि इस वक्त टेम्परेचर -22 डिग्रीज हो रहा है, तो आपको ज़रा मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये बर्फ है जो हो रही है, बहुत ज़बरदस्त। ये आप देख सकते हैं दूर दूर बर्फ ही बर्फ है। खेत होते हैं बेसिकली, और ये रेजिडेंशियल एरियाज के करीब खेत हैं। ये घर बने हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे बात होती है। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप इस तरह की और मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके, और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।